अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अदब कहानियां प्रोग्राम के सिलसिला नंबर 8 लेकर हम हाजरे खिदमत हैं। जी बिलाल साहब, आज हम कौन सी कहानी पर बातचीत करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस कहानी पे बात कर रहे हैं उसका नाम है आदमजाद। आदमजाद अशफाक साहब की एक ड्रामे की शक्ल में टीवी पे ये कहानी प्ले हुई है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। आदमजाद में हम शुरू में ज़रा बात कर लें कि आदमजाद जो जो एक ड्रामा है उसमें जो थीम ऑफ द स्टोरी है वो सुपर नेचुरल है, जो आलम अरवाह से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, वो इंसानों के साथ कैसे ताल्लुक कायम कर लेती हैं और उसका क्या मकसद हो सकता है। इस तरह उमूमन अशफाक साहब की कहानियों में ऐसा होता है, जो उनका सूफियाना एक टॉपिक है उसी में वो रिलेटेड है। बिल्कुल, एक सूफियाना रंग है। तो कहानी में ऐसा है कि जो बहस हुई है वो ये कि हमारा जो नॉलेज है साइंस का और साइकोलॉजी फिलोसफी का, ये सारा कुछ अपने तौर पे कोशिश तो करता है कि इंसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलतें हैं, जो फ़ायदे हैं वो दे सके, मादी सहूलतें, मादी। अब ये देखें कि जिस तरह साइंस का इल्म हमें मशीनरी वगैरह में तरक्की देता है, इसी तरह मेडिकल साइंस हमें फिजिकली तो ठीक कर देती है, हमारा बाजू टूटा है या हमारी टांग नहीं है तो या हमें बुखार है, लेकिन क्या ये इल्म हमें अंदरूनी तौर पर भी ठीक कर सकता है कि नहीं? यानी ये इल्म रूहानियत के साथ क्या ताल्लुक रखता है कि नहीं? तो हमारे जमीर को कहाँ तक मुतमिन करता है? हाँ बिल्कुल। तो ये है कि साइंस ने जितनी भी तरक्की की है उसमें वो इस काबिल नहीं हुई कि वो इंसान की अंदरून को बेहतर कर सके, वो उसे रूहानी तौर पर सेटिस्फाई कर सके, तो ऐसा अभी नहीं हो सका। और दूसरा, इस कहानी में ख़ास तौर पे जो बात है वो ये कि हमारे यहाँ इल्म रियाजी है, ज्योमेट्री का इल्म है, फलसफे का है, क्या कोई इल्म ऐसा भी है जो सच्चाई के बारे में हो, जो बहादुरी के बारे में हो, जो तज़किए नफ्स के बारे में हो? तो इस तरह के भी उलूम होने चाहिए, लेकिन इस तरह के उलूम पर इंसान की दस्तरस बहुत कम है और मगरब ने जितनी भी तरक्की की है वो फिजिकली फ़ायदा देने के लिए की, मादी तरक्की की, अंदरूनी खुशी या रूह को सेटिस्फाई करने के लिए उसने कोई काम नहीं किया। तो थीम ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मोहब्बत का इल्म है उसमें साइंस ने क्या तरक्की की। जी जुल्कर नैन साहब, वो जो हम बात कर रहे थे कि जो अशफाक साहब ने लिखा वो है आलम अरवा से ये चीज़ें ताल्लुक रखती हैं, उसमें उस कहानी में किरदार है एक लड़की का, कि जैसे हमारे गांव में देहातों में अक्सर ही होता है कि किसी भी शख्स पे किसी असेब का छाया हो गया या किसी घर में वीरानी की वजह से वहाँ कोई अरवा से ताल्लुक रखने वाली मखलूक आ गई, तो उसमें भी ये होता है कि जो लड़की है वो स्कूल में पढ़ती थी जब 8वीं क्लास में,
स्कूल से वापस आ रही थी, रस्ते में किसी वैरान से दरख्त, कोई कीकर का दरख्त था, उसके नीचे खड़ी हो गई, बादल से उठ गए तो आंधी चलने लगी। वो लड़की सहम गई डर के, एक पुराने से दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और उसने उसकी शाखें पकड़ ली। उस दिन के बाद से उसको अजीब ही दौरे पड़ने लगे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी लड़की, उसका बाप कोई क्लर्क था, तो उनके लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात हो गई और एक बड़ा ही मसला बन गया, वहम हो गया कि शायद इस पे किसी जिन का साया है, तो फला पीर साहब के पास चेक करवाएं या डॉक्टर साहब को जाने का फायदा नहीं है, तो वो कोई दम वगैरह कर दें तो ये जिन चला जाए। अब उन्होंने क्या किया कि लड़की क्या करती कि अक्सर इटालियन लैंग्वेज यानी स्पेनिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती। अब उसके घर वालों को तो वो जुबान आती नहीं थी, ना उनको ये ख्याल गया कि ये शायद कोई रूह है जो स्पेन में किसी शहजादे की थी और वो इस लड़की पे आशिक हो गया। तो उनको तो इस बात का इल्म ना हुआ, उन्होंने दाम शाम करवाए जो भी वो कर सकते थे, स्कूल से उठवा लिया जाली पीरों के हाथों। हाँ, ये भी हुआ कि चूंकि ऐसा होता है इसमें कि लोग जब इलाज करवाने लगते हैं तो जो भी कोई किसी को बताता है वो अंधाधुंध वहां चलना शुरू कर देते हैं। वो दो तीन साल गुजर गए, लड़की वैसी की वैसी अक्सर हांडी पकाती या कपड़े धो रही है, तो उसको अजीब सा दौरा पड़ता और वो किसी शख्स से बातें करने लगती। अब वो बातें करती, उसमें वो इंग्लिश बोलती, उसमें वो इटालियन बोलती, स्पेनिश बोलती, तो ऐसा लगता जैसे वो किसी को जानती है। और जब लड़की से पूछा जाता तो तुम किससे बातें कर रही थी, तुम्हें कोई कोई चीज नजर आती, तो वो कहती हाँ यहाँ पर मारियो है, वो मारियो जिससे मैं अपनी हर बात करती हूँ और वो बेजरर है, उसका मुझे कोई नुकसान नहीं। दरअसल हुआ ये कि अशफाक साहब ने इसमें जो बताया है कि जी कोई हिस्पानवी या स्पेनिश शहजादा था, वो किसी लड़की से आज से कोई 100-150 साल कबल किसी शहजादी बिटरस से मोहब्बत करता था, लेकिन इस मोहब्बत का वो अपनी जिंदगी में इजहार नहीं कर सका। मरने के बाद भी वो अपनी मोहब्बत को कायम किए हुए था और उसे उस लड़की में बिटरस नजर आई, वो उस पे आशिक हो गया। अब वो करता क्या कि वो रोजाना ही शाम के बाद अक्सर उसके कमरे में आ जाता और लड़की से बातें करता, और लड़की भी इससे बातें करने लगी थी। घर वालों को एक अजीब वहम हो जाता कि शायद वो किसी चुड़ैल से किसी जिन से गुफ्तगू कर रही है। वो शहजादा मारियो उसके लिए फूल लाता, उसके लिए स्पेन से तोहफे लाता जो उसके दौर में थे, और उसे ये कहता कि मुझे बिटरस की याद आती है जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम बेजरर हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। लड़की भी मैं वे गुफ्तगू हो जाती थी और फिर अचानक नींद बेहोशी की हालत में वो गिर जाती और सो जाती। उन्होंने कई जाली पीर वगैरह से कोई सदका वगैरह दिया लेकिन लड़की ठीक ना हुई, और माँ को उसकी माँ को और ज्यादा वहम हो गया कि इसका रिश्ता कैसे होगा, किसी को पता चलेगा कि ये किसी शहजादे से इश्क करती है, बातें करती है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। वो अपनी बेटी को समझाती कि अपने तौर तरीके देख, चलन देख। इस बात का बड़ा उसे गुस्सा आता लड़की को कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मेरी माँ उसे जिन या चुड़ैल करती,
मैंने तो दरअसल मोहब्बत करना ही इससे सीखा। हम यहाँ पर ये भी बात करते चलें कि दरअसल मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जब भी हम कोई इल्म हासिल करते हैं और हमें उस पर थोड़ा बहुत अबूर होने लगता है तो हमें एक मजा सा आने लगता है उस इल्म रियाजी में, उस इल्म साइंस में, और हमें अपनी गिरफ्त पर बहुत गुरूर और एक रोब सा पैदा होने लगता है। इसी तरह मोहब्बत के इल्म में भी जब इंसान थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको मजा सा आने लगता है, बहुत सारे राज खुलने लगते हैं, जैसे कि उसे समझ आ गई हो, जैसे कि उसने किसी और ही दुनिया में कदम रख लिया। लड़की भी अपनी इस कैफियत में उस लड़के से बहुत सारी चीजें सीखती कि मोहब्बत कैसा जज्बा है, उसमें बातों का एहसास उसे कहां से कहां लेकर जाता है। लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा टोकती कि ये ना किया करो, इस तरह से कोई सुन लेगा तो बहुत बदनामी होगी, शुक्र है कि हमने तुम्हें आठवीं से उठवा लिया। अपने बाप से, अपने खामन से कहती कि शुक्र है हमने इसे आठवीं से उठवा लिया स्कूल से, वरना ये तो हमारा बड़ा नाम रोशन करती। स्कूल में तसल्लियों से बातचीत करती, हाँ गांव में बात फैल जाती। अक्सर ये हुआ कि उसकी एक सहेली आती और वो उसे बताती कि तुम्हारा क्या हाल है सकीना, तो वो कहती कि मैं तो उसके ख्यालों में गुम रहती हूँ, वो जो मेरी राह देखता है। वो पूछती है वो कौन है, तो उसे कहती है कि वो एक शहजादा है। उसकी दोस्त इजारे तजस्सुस में उससे कहती है कि मुझे भी दिखाओ वो कहाँ है, और मुझसे तो तुम अच्छी हो कि तुमसे एक शहजादा मोहब्बत करता है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता गया, वो इलाज करवाते। एक दफा कोई साइकेट्रिस्ट को बुलाया उन्होंने, उसने लड़की का बगौर मुशाहिदा किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि शायद इसे कोई मर्ज है जो हिस्टीरिया से ताल्लुक है। अब साइकोलॉजी की टर्म में ये बीमारी ही ऐसी है कि बंदा खुद से बातें करने लगता है, और अजीब जी जब वो लड़की से पूछता है कि वो शहजादा कौन है और कहाँ से आया है, तो वो बताती कि उसका ताल्लुक इटली से है, वो बीटरस से मोहब्बत करता था, मुझसे नहीं, लेकिन मैंने अपने तमाम जज्बों को उससे मुंसलिक कर लिया, वो मेरी हर बात सुनता है, आप लोगों की तरह नहीं है जो मुझे बीमार समझते हैं, मेरा इलाज, मैं बीमार नहीं डॉक्टर, डॉक्टर अशफाक साहब की तरह उसे एक मर्ज बता के हिस्टीरिया का उसे एक इंजेक्शन लगा के चला गया। जबकि लड़की ने डॉक्टर से कहा कि आप लोग सारे कुएं के मेंढक क्यों हैं, आप लोग जो इल्म रखते हैं उसके ऊपर इतने कादर क्यों हो जाते हैं, क्या उससे आगे कोई इल्म नहीं होता, क्या दो जमा दो सिर्फ चार ही होते हैं, क्या इसके बाद रिसर्च खत्म हो जाती है। ये वो तमाम बातें थी जो इल्म रूहानियत के साथ ताल्लुक रखती है, और जो हमारी इल्म साइंस ने, फलसफा ने, मगरब ने हमें नहीं सिखाया। हर इल्म के आगे एक इल्म है। हम लोग हमेशा ये कह देते हैं कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, इससे आगे बात खत्म हो गई। दरअसल तसव्वुफ में जो चीजें हैं वो इस तरह से नहीं हमारे तक पहुंची जिस तरह से इल्म साइंस आया है और वो स्कूलों में पढ़ाया गया है। तसव्वुफ जो है वो एक गैर रस्मी तरीके से हम तक पहुंचा है। तो बहुत सारी चीजें जो रूहानियत का ताल्लुक रखती हैं उस पर बहुत अच्छी जो बहस है वो सूफिया ने की है। अब हम बात करते हैं, तो वो लड़की दरअसल
اس شہزادے کی محبت کی قائل ہو گئے اور ہمیشہ یہ کہتی کہ یہ جذبہ باتوں کے ساتھ استوار ہے، اس میں باتوں کا ہونا ضروری ہے اور اس سے وہ لطف ہے جو انبیاء کرام کو اللہ تعالی سے باتیں کرنے میں ہوا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو بے ضرر ہے اور اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن میرے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بیمار ہوں، پریشان ہے وہ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب بھی لڑکی سے کہتے ہیں کہ تیرے گھر والے تیرے لیے کسی اچھے کی تلاش میں ہیں، تم اس بات پر غور کرو۔ حتیٰ کہ وہ شہزادہ جو اس سے اکثر ملنے کے لیے آتا تھا وہ بھی اس سے یہ کہتا کہ تمہارے گھر والے تمہاری پرواہ کرتے ہیں، اور جس کی کوئی پرواہ کرتا ہے وہ آدمی وہ شخص قابل قدر ہوتا ہے، کہ کوئی اس کی راہ دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ کیونکہ عمر کے حصے میں تھی کہ وہ اس کی بات کو اس طرح سے نہ لیتی، بلکہ اپنی باتیں کرنے میں، اپنی باتیں سنانے میں اور شہزادے کے اتنا مانوس ہونے میں ہمیشہ اتنی گم رہتی کہ جب کبھی وہ اسے نظر نہ بھی آتا تو اسے ایسا ہی لگتا کہ جیسے وہ یہیں کہیں مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوا کہ اس کی جو دوست اسے اکثر ملنے آتی تھی اس کی شادی ہو گئی اور وہ دوسرے علاقے میں چلی گئی۔ وہاں سے اسے دوبارہ ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس کا حال پوچھا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں اب بھی وہ شہزادہ ملنے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ شہزادہ مجھے ابھی بھی ملنے آتا ہے، لیکن تم سناؤ تم نے کیا وہ جذبہ محسوس کیا جس کی میں بات کرتی تھی، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے باتیں کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ تم پاگل ہو، یہ جذبہ صرف باتوں کے ساتھ ہی قائم نہیں، اس کا تعلق لمس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق چھونے سے بھی ہے، تم صرف باتوں پر اٹکی ہوئی ہو۔ سکینہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو باتوں میں لطف آیا ہے میں صرف اسی پر قائم ہوں اور اسی جذبے کو نیک جذبہ سمجھتی ہوں۔ تھوڑے دن گزرے، سکینہ کا ایک کزن جو پشاور سے آیا، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ اپنا اٹیچی کیس پکڑ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ گھر والے تو نہیں ہیں، آپ آئیں اندر اور میں آپ کو جانتی ہوں، آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور کس لیے آئے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں یہاں پہ کسی کام سے آیا ہوں، میں نے ڈاکٹری کی ہے اور مجھے نوکری مل گئی ہے پشاور میں ہی، میں جلد ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ وہ لڑکا پوچھنے لگا کہ سکینہ تمہیں تو دورے نہیں پڑتے، تم بیمار ہو، لیکن میں تمہارا علاج کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اسی لمحے اس نے اپنا اٹیچی کیس کھولا، اس میں سے سٹیتھوسکوپ نکالا اور لڑکی کی تشخیص کے لیے اپنی کرسی آگے کی۔ جب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس نے لڑکی کی نبض پکڑی اور ایک ڈاکٹر کی طرح یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کیا مرض، لیکن اس کے چھونے کی دیر تھی، سکینہ کو یہ یاد آیا کہ اس کی دوست شاید صحیح کہتی تھی کہ محبت کے جذبے میں صرف باتیں ہی ضروری نہیں، چھونے کا عمل بھی داخل ہے۔ وہ اس طرح سے اپنے شہزادے کو یاد کرنے لگی، لیکن وہ شہزادہ تو ہر وقت اسے دیکھتا رہتا تھا، اسے ہی کبھی کبھی نظر آتا تھا۔ جب شہزادے نے محسوس کیا کہ یہ پھر وہی بٹرس
بیٹرس نہیں ہے جو اسے محسوس ہوئی تھی. یہ تو ایک انسان ہے اور انسان لوگ ہمیشہ جذباتی اور فزیکل اٹیچمنٹ کے قائل ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اس محبت کے جذبے کی قدر نہیں ہے جو انبیاء اکرام نے خدا سے کی, جو اولیاء اکرام نے ایک جذبہ اپنے مالک سے قائم کیا ہوا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کسی عیسائی کو گھر میں بلایا گیا اور وہ اپنی مذہبی کتاب کے مطابق کچھ پڑھتا اور لڑکی فوراً بولنا شروع کر دیتی اور کہتی کہ یہاں شہزادہ بیٹرس اور شہزادہ ماریو کھڑا ہے, وہ بیٹرس سے محبت کرتا ہے مجھ سے نہیں. وہ عیسائی کچھ پڑھتا اس لڑکی پہ پھونکتا تو لڑکی خود بخود یہ کہتی کہ ماریو یہاں ہے, یہ دیکھو ماریو وہاں ہے. اس عیسائی نے شہزادے سے مخاطب ہو کر یہ بولا کہ ماریو تم جہاں بھی ہو اس لڑکی کو چھوڑ کر چلے جاؤ, یہ تمہارا دیش نہیں. ماریو کو جانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ماریو ایک دن لڑکی سے جب آخری دفعہ شہزادہ اس سے ملا اور وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے دھوکا ہوا ہمیشہ کی طرح, میں نے بیٹرس کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے تم میں بھی بیٹرس نظر نہیں ہے, اس لیے اب میں یہاں نہیں رک سکتا اور تمہارے گھر والے بھی مجھ سے بہت ناخوش ہیں. اتنا کہہ کر لڑکی نے رو رو کر اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکا اور کہنے لگا کہ محبت کا وہ جذبہ جو ہم نے عالم اربا میں سیکھا ہے تم انسان اس سے بہت دور ہو. میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید انسان ایسی مخلوق ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور زیادہ علم و دانش رکھتی ہے, لیکن تم ابھی بھی پرانے اور فرسودہ خیالات کے قائل ہو, تمہیں محبت کے احساس کا علم نہیں. لڑکی رونے لگی اور شہزادہ آخری دفعہ اسے الوداع کہہ کے چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا, لڑکی ٹھیک ہو گئی اور شہزادہ دوبارہ ماریو پھر کبھی اسے ملنے نہیں آیا. یہاں پہ سٹوری ختم.